हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों आज मैं साइंस में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर एन टी पी सी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है ना। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है ना, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शून्य, है ना, यानी कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति प्लस 2.0 डायोप्टर है तो क्या है? दोस्तों इसमें से कौन सा लेंस या उत्तल होगा बताइए, लेंस या दर्पण होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति प्लस 2.0 डायोप्टर है तो यह उत्तल लेंस है। और दोस्तों उत्तल लेंस यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायोप्टर, है ना, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए सौर ऊर्जा खाली स्थान पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है कभी कभी, कभी नहीं, और दो ऑप्शन दिया हुआ है हमेशा और अक्सर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कभी कभी, यानी कि सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है ना। देखिए दोस्तों सौर ऊर्जा जो है ना पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और सौर ऊर्जा का भारत सरकार अधिक प्राथमिकता दे रही है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और दोस्तों सौर ऊर्जा में सिलिकॉन का प्लेट प्रयोग होता है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि सौर ऊर्जा में जो प्लेट लगा होता है वो किसका होता है, तो सिलिकॉन का प्लेट लगा होता है ना, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना वो नोबल गैस नहीं है, यह एक हल्की गैस है। और दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। और दोस्तों जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जेनोन हो गया या फिर रेडोन हो गया, ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, है ना, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, और इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, देखिए क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पौधे। देखिए क्रॉस परागण के लिए पौधे परागण के कारक नहीं है, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए परागणों के प्राकोष से मुक्त होकर उसी गति के पौधे के जायां के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, है ना। देखिए परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डोब्राइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटेशियम, है ना, यानी कि पोटेशियम डोब्राइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं। और दोस्तों डोब्राइनर त्रिक जो है ये सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित होता है ना, यानी कि डोब्राइनर का त्रिक सिद्धांत जो होता है कुछ ही तत्वों तक सीमित होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक
वक्रीय एक वक्रीय है दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण, है ना। देखिए, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रित होती है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। दोस्तों अवतल दर्पण को अभिसारक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख क्या, देखिए युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? कह रहा है क्वेश्चन, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। सह कोशिका के साथ शुक्राणु में से एक का संलयन, एक शुक्राणु के विखंडन, अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन और एक अंडे के विखंडन। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन रूप से परिभाषित किया जाता है। और दोस्तों वृषण एवं अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, और युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। दोस्तों अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इस ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पदार्थों के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कि ये जो कथन जो दिया हुआ है बिल्कुल गलत है, है ना। यानी कि क्वेश्चन की दृष्टि से इसका ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, है ना। देखिए पदार्थों के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, ये कथन गलत दिया हुआ है। और द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं, पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो निश्चित गुण एवं संगठन वाला होता है। और दोस्तों वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं, है ना। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन, देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, दोस्तों क्या है बताइए? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, लाल लिटमस को नीचे रंग में परिवर्तित करता है, या लाल और नीले दोनों लिटमस को प्रभावित करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, यानी कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है वो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को, मतलब कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र या मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। और क्षार क्या होता है? क्षार लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस की क्या क्रिया होती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। और दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। और खाना पचाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाना पचाने में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन क्या है। देखिए जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गति का तीसरा नियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। और दोस्तों न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और इनमें से किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहा जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो दोस्तों इसमें इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाइटेनियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। टाइटेनियम जो है ना ये रणनीतिक धातु कहलाता है,
और प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। देखिए प्लूटोनियम है ना, ये एक भारी रेडियो सक्रिय तत्व है, धातु है, इसमें को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दिए गए धातु में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कैल्शियम है। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो पोटेशियम होता है, यानी के, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है एयू, है ना, एयू सबसे कम अभिक्रियाशील होता है ना, इस पर को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिस्टम क्वेश्चन क्या है? निम्न निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम, एन ए, है ना, यानी कि दिए गए विकल्प में सोडियम सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। यानी कि आघातवर्ध क्या है? आघातवर्ध वह गुण है जिसमें कोई पदार्थ का फैलाव होता है। और देखिए सोडियम जो है ना दोस्तों, सोडियम जो है ना एक मुलायम धातु है, और सोडियम धातु बेंजीन तथा एथर में विलय होता है। और इसका घनत्व तो, आपेक्षिक घनत्व तो कितना होता है? तो 0.97 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों मगरमच्छ दिया हुआ है, मेंढक दिया हुआ है, सांप दिया हुआ है, कछु दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि सरीसृप वर्ग में संबंधित नहीं आता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेंढक, ये राइट आंसर हो जाएगा। मेंढक जो है ना सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, मेंढक एक उभयचर वर्ग का प्राणी है ना, और सरीसृप वर्ग के प्राणी ऐसे होते हैं जो स्थल में रेंकर चलते हैं, है ना, और इसका अंतक अंकाल जो होता है अस्थि का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है, इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्वेश्चन फिर पढ़िए, देखिए किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु संख्या में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में वृद्धि आधार पर व्यवस्थित किया गया है ना। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले ने 1913 ईस्वी में दिया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने और तत्व का धात्विक गुण कम हो जाता है। देखिए क्या है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण जो होता है कम हो जाता है तथा अधात्विक गुण में वृद्धि होती है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7, है ना, यानी कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों यंत्र जो है ना बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, आपको चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, है ना, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए पौधों में खाली स्थान हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सिन, यानी कि पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, है ना। आप गौर करते होंगे जिस तरह प्रकाश का सूर्य मतलब प्रकाश जिस तरह से दिखता है, जिस ओर से दिखता है उसका मतलब कि पौधों का जो तना होता है उसी तरफ मुड़ जाता है, पत्ती जो होता है उसी तरफ मुड़ जाता है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आप कभी गौर भी किए होंगे इस पॉइंट। देखिए ऑक्सीजन की खोज किसने की, कब की गई थी, तो ऑक्सीजन की खोज की गई थी 1880 में और डार्विन ने की थी, और यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ना। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ देखिए, सेल्यूलोज, काइटिन, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काइटिन, है ना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा काइटिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कवक की कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। और दोस्तों कवक पर्ण रहित संकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है, इसको पॉइंट को याद रखिएगा। और कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 24, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेंट्रोमियर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को का नाम सेंट्रोमियर है, है ना। और प्रत्येक गुणसूत्र के तीन भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेट्रिड्स, है ना। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा। हीरा जो है कार्बन का यौगिक नहीं है। देखिए हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं, है ना। कार्बन का यौगिक नहीं बल्कि कार्बन का अपरूप है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.417। और दोस्तों हीरा जो होता है ना ताप और विद्युत का कुचालक होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और ग्रेफाइट का अपचयकत्वांक कितना होता है, तो ग्रेफाइट का होता है 2.2। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जितना जितना हो सके दोस्तों इसे आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।